हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिटेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम पूरी दिखाएंगे कैसे कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी हम लोगों को असम टेट की एलपी या एमई किसी भी फेज में अप्लाई करने के लिए। तो पहले हम लोगों को एक वेबसाइट जो हम लोगों को हर किसी को पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो वेबसाइट है वो dwe.assam.gov.in उसको ओपन करना। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जी आया है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद हम लोगों को पूरा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अप्लाई फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ टीचर्स ऑफ एलपी एंड यूपी स्कूल्स अंडर डीई असम। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरी एडवर्टाइजमेंट फॉर लोअर प्राइमरी, एडवर्टाइजमेंट फॉर अपर प्राइमरी, यहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है वो। न्यू एडवर्टाइजमेंट, तो वो दोनों नंबर वन और नंबर टू, ये दोनों तो पहले की एडवर्टाइजमेंट है, और जो न्यू है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ है सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले अप्लाई नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो उस पेज खुलने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इस सब कॉलम को फिल करना पड़ेगा। सपोज़ अगर आप अपर प्राइमरी के लिए है तो अपर प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे, या और लोअर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लोअर प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे। आप एक साथ दोनों नहीं कर सकते, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद कैंडिडेट नेम हियर आप पुट करेंगे, यहाँ पे जेंडर, ओबीसी, एमओबीसी, कास्ट जो भी है, एससी, एसटी हिल्स, एसटी प्लेन्स, अनरिजर्व्ड, यूआर मींस अनरिजर्व्ड। तो उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सपोज़ 1990, तो अगर मैं बोलूँ 12 जनवरी तो यहाँ पे दिसंबर है, मुझे जनवरी चाहिए, तो 2004 यहाँ से आ रहा है। जनवरी सपोज़ 12 जनवरी, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 12 जनवरी 12, तो ये वहीं यहाँ पे उल्टा आएगा। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आ जाएगा, और उस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, और एक बात आप याद रखिए, अगर आप 2019 लास्ट जो टेट हुआ 2019 का जो असम टेट हुआ उस टेट में अगर आपने क्वालिफाई किए तो आपकी जो जोन है उस जोन के बाहर मत जाइए, उस जोन के अंदर ही अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपका टेट रोल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर। तो अगर आपने 2019 में टेट क्लियर किया है तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपके पास नहीं होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे आपका रोल नंबर भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर जो आप अगर आप दो एलपी और एमई दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर एक मत दीजिए, दोनों दो फ़ोन नंबर दीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। यहाँ पे ईमेल आईडी पुट कीजिए, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, तो पासवर्ड जो भी है वो एक कॉमन पासवर्ड यूज़ कीजिए, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिट्रीव नहीं कर सकते। अगर पासवर्ड गलत हो गया, अगर पासवर्ड भूल गया तो
रिट्रीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हुआ है कुछ दिन पहले जो असम टेट का जो रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट में क्या हुआ, जिन एप्लीकेंट्स में वो उनका पासवर्ड भूल गया वो रिट्रीव नहीं कर सकते। तो इसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है, क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो पहले यहाँ पे यहाँ से सेव रजिस्टर कर लीजिए, करने के बाद यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी इस पेज से अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, क्योंकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में, हम लोग अक्सर जेपीजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए मैं और फिर वो भी दोनों, सपोज़ अगर आप हायर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो हायर सेकेंडरी का जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है दोनों एक पीडीएफ में कंबाइन करना, मर्ज करना है, और उसके बाद उसको अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 1 MB तक होनी हो सकती है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना। तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स के लिए दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस लिंक में जाके वहीं पे आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करके आपकी डॉक्यूमेंट जो भी है वो मर्ज कर सकते हैं, एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको एक प्रॉब्लम आएगी वो है आपकी जो फोटो और सिग्नेचर का साइज़, क्योंकि हम लोग अक्सर मोबाइल से अप्लाई करते हैं, तो मोबाइल में से अप्लाई करने में दो दिक्कत आएगी, वो एक है फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ और जो उसका विड्थ एंड हाइट फ़ोटो का जो है वो 150x200 और उसका साइज़ 50x100 KB, और अगर 150x200 अगर आप किसी भी दूसरी ऐप से अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए एक ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से उस ऐप से जाके आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो स्कैन सिग्नेचर है वो भी आप इसी ऐप से कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।